अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। स्टूडेंट्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर वन है, देयर इज बेस्ट टीचर इन दैट क्लास, दीज ऑल पीयर्स आर राइप, ही इज रीडिंग एट द मेडिकल कॉलेज, फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग, द मैन इज सेल्फिश बाय नेचर, आई सेल्डम और एवर टेक मेडिसिन, द चाइल्ड डाइड एट 3 ईयर ओल्ड, नॉट अ लाइन ऑफ द लेक्चर्स वर रिटन, ही इज बेंट टू डू इट, इट इज मच हॉट टूडे। अच्छा, इनमें से कुछ सेंटेंसेज रिपीट हुए हुए हैं, पिछली वीडियो में भी थे। अच्छा, ये मैंने इसलिए दोबारा इसमें इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए, यानी 2010 में भी आए 3-4 सेंटेंसेज और 11 में भी वही वाले 3-4 रिपीट हो गए। ठीक है, इस तरह सेंटेंसेज कभी बिल्कुल यूं के यूं भी रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभार उनमें वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो एरर होती है नाउन की, एडजेक्टिव की, जो भी, वो वही रहती है, लेकिन कभी कभार बिल्कुल उसी तरह भी आ जाता है सेंटेंस। अच्छा, अब इनके करेक्ट कैसे करना है, देयर इज बेस्ट टीचर इन दैट क्लास, ऐसे नहीं कहते कि उस क्लास में अच्छी टीचर है। इस कहने का मतलब ये है कि अच्छी टीचर है, देयर इज अ वेरी गुड टीचर इन दैट क्लास, ये आएगा। नंबर टू, दीज ऑल पीयर्स आर राइप, पीयर्स होती हैं नाशपातियाँ, यानी सारी नाशपातियाँ जो हैं वो पकी हुई हैं, दीज ऑल पीयर्स आर राइप, तो इसमें अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ठीक नहीं है, अल्फाज की जो तरतीब है वो ठीक नहीं है, ऑल दीज पीयर्स आर राइप होना था। नंबर थ्री है, ही इज रीडिंग एट द मेडिकल कॉलेज, ये मैंने आपको पहले भी बताया, रीडिंग अ न्यूज़पेपर, रीडिंग अ बुक हो सकता है, लेकिन ऐसे कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, स्कूल का नाम नहीं होता, तो आपने इसको करेक्ट करना है, ही इज स्टडिंग एट द मेडिकल कॉलेज। फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग, फ्यू पीपल नहीं होता, अ फ्यू पीपल, यानी थोड़े से लोगों ने मीटिंग अटेंड की, अ फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग, द मैन इज सेल्फिश बाय नेचर। अच्छा, हमारे सर हमें बताते होते थे पंजाबी का दा और इंग्लिश का दा जिधर लगे लगा दो, लेकिन अब हमें पता चला है कि नहीं, इंग्लिश का दा जो है ना वो हर जगह नहीं लगाना, पंजाबी वाले अपना सोच लें उन्होंने कहाँ कहाँ लगाना है। तो इंग्लिश का दा भी किसी सेंस से आता है, यानी द मैन का मतलब होता है कोई खास पर्टिकुलर आदमी, किसी खास आदमी के बारे में जब हम बात कर रहे हो तब हम द लगाते हैं। तो इसमें आएगा मैन इज सेल्फिश बाय नेचर, ये ओवरऑल एक इंसान की बात हो रही है, किसी खास आदमी की बात नहीं हो रही, तमाम इंसानों की बहसियत इंसान बात हो रही है कि इंसान बाय नेचर जो है सेल्फिश है, खुद गर्ज है। नंबर सिक्स है, आई सेल्डम और एवर टेक मेडिसिन, सेल्डम होता है बहुत कम, कभी कभार, ठीक है, और एवर होता है कभी, यानी एवर को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, हैव यू एवर सीन द ट्रेन, हैव यू एवर सीन एन एरोप्लेन, इस तरह आपने कभी ट्रेन देखी है, आपने कभी एरोप्लेन देखा है, कभी कभार में और कभी में फ़र्क है। आई सेल्डम और एवर टेक मेडिसिन, सेल्डम मीन्स बहुत कम, रेयरली, I seldom or never take medicine होना था, यानी या तो मैं बहुत कम लेता हूँ या कभी medicine नहीं लेता। Seldom भी उतना rare होता है कि वो ना होने के बराबर हो, यानी मैं कभी दवाई नहीं लेता, इसका ये मतलब होगा। The child died at 3 years old, नहीं, the child died at 3 years age। अच्छा, नंबर एट है, not a line of lectures were written, यानी लेक्चर्स की एक भी लाइन नहीं लिखी गई थी, तो ये एक भी लाइन के लिए वर्ब आना था, was, लेक्चर्स के लिए नहीं यूज हो रहा वर, ये लाइन के लिए यूज हो रहा है, नॉट अ लाइन ऑफ लेक्चर्स वॉज रिटन, ही इज बेंट टू डू इट, ही इज बेंट ऑन डूइंग इट, बेंट के साथ ऑन का प्रेपोजिशन यूज होता है, और ही इज बेंट ऑन डूइंग इट, यानी वो ये करने पे मुसिर है, वो ये करने पे तुला हुआ है, उसने ये करना है। इट इज मच हॉट टूडे, इट इज वेरी हॉट टूडे, ये भी रिपीट हुआ हुआ सेंटेंस है। थैंक यू।